अब खबर है राजौरा तहसील से, जहां 3 फरवरी को शेतकरी संगठन की ओर से एक भव्य मोर्चा निकाला गया। सरकार के विरोध में घोषणाबाजी करते हुए ये मोर्चा उप विभागीय कार्यालय पर पहुंचा। तो आइए सुनते हैं इस मोर्चे का नेतृत्व कर रहे शेतकरी संगठन के ज्येष्ठ नेता तथा पूर्व विधायक एडवोकेट वामन राव चटप ने इस मौके पर क्या कहा। किसानों की विभिन्न ज्वलंत मांगों को लेकर शेतकरी संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 3 फरवरी को राजौरा विभागीय अधिकारी कार्यालय पर एक मोर्चा निकाला और इस मोर्चे का नेतृत्व शेतकरी संगठन के ज्येष्ठ नेता तथा पूर्व विधायक एडवोकेट वामनराव चटप ने किया। इस मौके पर मोर्चे में शामिल सभी आंदोलनकारियों ने सरकार के विरोध में जमकर घोषणाबाजी की। उप विभागीय कार्यालय पर मोर्चा पहुंचने पर उसका रूपांतर एक सभा के रूप में हुआ। सभा के दौरान एडवोकेट वामनराव चटप के साथ एडवोकेट दिनेश शर्मा, सतीश धानी आदि पदाधिकारियों ने उपस्थितों को संबोधित किया। इस मौके पर शेतकरी संगठन के ज्येष्ठ नेता तथा पूर्व विधायक एडवोकेट वामनराव चटप के साथ एडवोकेट दिनेश शर्मा, सतीश धानी, अरुण पाटिल नवले, नीलकंठ कोरांगे, सुनील भावने, शेषराव बोंडे, कपिल इद्दे, प्रभाकर ढवस, विनोद बारसिंगे, हरदास बोरकुटे, कौड़ू पोटे के साथ बड़ी संख्या में शेतकरी संगठन के पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता मौजूद थे। यह मोर्चा आदिशक्ति भवानी मंदिर के प्रांगण से निकलकर तहसील कार्यालय पर पहुंचा और वहां पर उन्होंने एक शिष्टमंडल द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को SDO रविंद्र माने के द्वारा एक निवेदन सौंपा। तो सुनिए इस मोर्चे के संबंध में तथा अपनी मांगों के संदर्भ में मोर्चा का नेतृत्व करने वाले शेतकरी संगठन के ज्येष्ठ नेता तथा पूर्व विधायक एडवोकेट वामनराव चटप ने मीडिया को क्या जानकारी दी। शेतकरी संघटन, शेतकरी महिला आघाड़ी, शेतकरी युवा आघाड़ी आणि स्वतंत्र भारत पक्षाच्या वतीने आज SDO कार्यालयावर मोर्चाचं आयोजन करण्यात आलं आणि माननीय पंतप्रधान आणि माननीय मुख्यमंत्री यांना उपविभागीय अधिकाऱ्यांमार्फत निवेदन पाठवण्यात आलं। मुख्य मागणी अशी आहे की शेतमालावरील निर्यात बंदी कायमची हटवावी, सरकारने शेतमालाच्या व्यापारात ढवळाढवळ करू नये। दुसरं असं की मध्य प्रदेशमध्ये निवडणुका पुढे होत्या म्हणून गव्हाला 30% ज्यादा किंमत दिली आणि छत्तीसगडमध्ये याला धानाला 40% किंमत दिली। तशीच आमच्याकडे सोयाबीन कापूस बुडाला आहे म्हणून सोयाबीन आणि कापसाला 30% ज्यादा रक्कम द्यावी। महत्त्वाचं असं की वन हक्क कायद्यात अतिक्रमण असणाऱ्या वनाजमीन 25 वर्षाची 1 पिढी या दोन्ही अटी काढून टाकाव्या। साप हा वन्यजीव आहे, साप पकडला किंवा मारला तर 2 वर्षाची शिक्षा आहे, म्हणून साप खाऊन मरणाऱ्या माणसाला किमान इतर वन्य प्राण्याप्रमाणे आर्थिक मदत देण्यात यावी। सगळ्या जबरांजोत रेवणी जमिनीवरच्या शेतकऱ्यांना त्याचे मालकी पट्टे देण्यात यावे। बल्लारच्या सुरजागड आणि गडचांदूर आदिलाबाद या रेल्वे मार्गाला केंद्राने चालू अधिवेशनात मान्यता प्रदान करून निधी द्यावा। केंद्र सरकारने चालू अधिवेशनात विदर्भातच स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्याची घोषणा करावी। शिवाय सास्तीची राहिलेली 16% जमीन, बिरूर गाडेगावची राहिलेली 17% जमीन WCL ने तात्काळ भूसंपादित करावी। या सगळ्या मागण्या घेऊन आम्ही आज हा मोर्चा काढलाय। आज आम्ही तसं निवेदन दिलं आणि या निमित्ताने आता याचं पुढचा संघर्ष आम्ही सुरू करू। CTV के लिए हमारे प्रतिनिधी कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।